अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को टेस्ट प्रिपरेशन एंड स्किल्स के चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। और इस वीडियो में आप लोगों के साथ मोस्ट रिपीटेड एनटीएस के जो एमसीक्यूज हैं, जो तकरीबन हर पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो आपके साथ कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को गौर से देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक बर्वक पहुँचती रहे। इसके अलावा कोई भी पास पेपर चाहिए या कोई भी मालूम चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है व्हाट विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड द सिटी ऑफ फ्लावर्स। पेशावर जो है इसको सिटी ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है इस्लाम मीन्स, इस्लाम का क्या मतलब है? तो करेक्ट आंसर है द रिलीजन ऑफ पीस, अमन का मजहब इसका मतलब है। नेक्स्ट है कोजक पास कनेक्ट्स, कोजक पास किस किस को कनेक्ट करता है? तो करेक्ट आंसर है क्वेटर टू कंधार। नेक्स्ट है फर्स्ट वोमेन गॉट मैट्राइडम इन हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, इस्लाम में जो पहली औरत है जो शहीद हुई है उनका क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर है हजरत समिया। नेक्स्ट है OIC सेकेंड मीटिंग हेल्ड इन विच कंट्री एंड व्हेन, जो OIC की सेकेंड मीटिंग हुई थी ये किस मुल्क में और कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर है पाकिस्तान में हुई थी, लाहौर शहर में, और ये 22-24 फरवरी 1974 तक हुई थी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सबसे बड़े आइलैंड का क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर है मनोरा, और ये कराची में वाकिया है। नेक्स्ट है व्हेन स्टेट बैंक वाज इनॉग्रेटेड, स्टेट बैंक का इफ्तिताह कब हुआ है? तो करेक्ट आंसर है 1st July 1948 को। नेक्स्ट है हु रोट द बुक माई ड्रीम ऑफ इंडिया, माई ड्रीम ऑफ इंडिया किन्होंने किताब लिखी है? तो करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है क्लिफ्टन इज इन विच सिटी, तो ये जो क्लिफ्टन है तो ये कराची में मौजूद है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एज ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ मदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वालदा का वफात हुआ तो उस टाइम आपकी कितनी उम्र मुबारक थी? तो करेक्ट आंसर है 6 ईयर्स। नेक्स्ट है हाउ मेनी फर्ज ऑफ गुसल, गुसल के कितने फ़र्ज़ होते हैं? करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मदर नेम ऑफ हज़रत इस्माईल, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा मालदा का क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर है हज़रत हाजिरा। नेक्स्ट है गैदरिंग एट अरफात ड्यूरिंग हज वॉज मेड कंपल्सरी इन विच ईयर, जो गैदरिंग करते हैं अरफात में हज के दौरान एक मफ़ात है तो ये कब कंपल्सरी हुआ था? तो करेक्ट आंसर है 9 हिजरी को। नेक्स्ट है किताबुल असर इज रिटन बाय विच पर्सनैलिटी, किताबुल असर किन्होंने लिखी है? तो करेक्ट आंसर है इमाम अबू हनीफा ने। नेक्स्ट है हु वाज द राइटर ऑफ फर्स्ट वही इन कुरैश ट्राइब, कुरैश के कबीला में किन्होंने पहली वही लिखी थी? तो करेक्ट आंसर है हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने। नेक्स्ट है इफ अ ट्रेन कवर्ड 120 किलोमीटर पर आवर, अगर एक ट्रेन 120 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जा रही है देन हाउ मच डिस्टेंस कवर इन 18 मिनट, तो 18 मिनटों में वो कितना कवर करेगी? तो करेक्ट आंसर है 3 किलोमीटर। आगे नेक्स्ट है बैट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट, जो चमगादड़ होती है वो देख नहीं सकती और सांप जो है वो सुन नहीं सकता। नेक्स्ट है इन अ क्लास 150 स्टूडेंट 100 आर गर्ल्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज़, अगर एक क्लास है उसमें टोटल 150 स्टूडेंट हैं लेकिन उसमें से जो 100 हैं वो लड़कियां हैं तो परसेंटेज क्या बनती है लड़कियों की एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ से? तो 33.33। नेक्स्ट है अली इज़ टालर देन फारूक एंड सलीम इज़ टालर देन फारूक, अली जो है वो फारूक से बड़ा है लंबा है और सलीम जो है ये फारूक से भी लंबा है, एंड राजा इज टालर देन सलीम, जो राजा है ये सलीम से भी टालर है। हु इज टालर अमोंग देम, तो इनमें से सबसे जो टालर है वो कौन है? तो इसका जो ऑप्शन थे तो उसमें करेक्ट आंसर था ए, इसका थोड़ा सा आप लोग सोच लेंगे तो आपको जवाब मालूम हो जाएगा। और नेक्स्ट है 5 डेज ऑफ मंथ इज संडे देन व्हाट डे विल बी 26, अगर 5 दिन जो मंथ के हैं वो संडे है तो व्हाट विल डे, जो 26 तारीख होगी या 26वां दिन होगा मंथ का तो कौन सा डे बनेगा? तो करेक्ट आंसर है सैटरडे। नेक्स्ट है व्हाट विल कम नेक्स्ट ए ई के, तो इसका करेक्ट आंसर है एस।
नेक्स्ट अजहर बॉर्न इन 2000 एंड जवेद बॉर्न 2005. सलीम इज ओल्डर देन जवेद बट यंगर देन अजहर. हु इज टालेस्ट अमंग देम. तो इसका करेक्ट आंसर है अजहर. नेक्स्ट है व्हेन मोहम्मद अली जिन्ना बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. तो करेक्ट आंसर 1916 में बने थे. अगर देखते हैं हिंदू कश माउंटेन रेंज कनेक्ट्स विच कंट्री इन नॉर्थ साइड. नॉर्थ साइड से हिंदू कश माउंटेन किसको कनेक्ट करती है, किस कंट्री को. तो करेक्ट आंसर है चाइना को. नेक्स्ट है व्हेन मेड नॉन अलाइन मूवमेंट NAM. तो इसका करेक्ट आंसर 1955 में बनी थी. नेक्स्ट है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 714 1836 एंड 40. तो इसका करेक्ट आंसर है 80. नेक्स्ट है फ्रैंक इज टॉलर देन जोहान एंड रॉजर इज टॉलर देन जोहान. व्हाट इज द टॉलेस्ट अमंग देम. तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रैंक. नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट पोएट ऑफ पश्तो लैंग्वेज. पश्तो लैंग्वेज का सबसे पहले जो शायर है उनका क्या नाम है. तो करेक्ट आंसर है अमीर करोर सूरी. नेक्स्ट है विच एलिमेंट मोस्ट प्रोड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग इज. सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करती है कौन सा एलिमेंट है. तो करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से. नेक्स्ट है व्हाट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड. तो इसका करेक्ट आंसर है नाइल है. ये 14,132 माइल्स. नेक्स्ट है हाउ मेनी वर्सेस इन सूरत कौसर. सूरत कौसर में कितनी आयात हैं. तो करेक्ट आंसर है 3 आयात हैं. आगे नेक्स्ट है अटॉर्निंग टू द रेवलेशन फर्स्ट वर्सेस केम इन विच सूरा. जो कुरान पाक नाजिल हुआ है तो पहली जो आयात आई थी किस सूरत की थी. तो करेक्ट आंसर है सूरत अलग की. नेक्स्ट है हाईएस्ट पोलो ग्राउंड ऑफ पाकिस्तान इज. करेक्ट आंसर है सिंदूर टॉप जो है ये सबसे हाईएस्ट पोलो ग्राउंड पाकिस्तान में मौजूद है. नेक्स्ट है शालीमार बाग इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान. शालीमार जो है ये लाहौर के शहर में मौजूद है. नेक्स्ट है सेंटोरस माल इज इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान. जो सेंटोरस माल है और ये इस्लामाबाद में मौजूद है. अगेन नेक्स्ट है हड़प्पा इज लोकेटेड इन विच डिवीजन ऑफ पाकिस्तान. जो हड़प्पा है ये साहिवाल डिवीजन में पाया जाता है. नेक्स्ट है इन विच बैटल थ्री खलीफा मेट्रेड ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर. कौन सी बैटल थी जंग थी जिसमें तीन खलीफा ने शहादत हासिल की थी पानी की कमी की वजह से. तो करेक्ट आंसर है खैबर. नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 30% ऑफ 30. करेक्ट आंसर है 9. नेक्स्ट है सोफिया इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री. सोफिया जो है ये बुल्गारिया की कैपिटल है. अगेन नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट गेट एडवाइस टू. तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट जो है ये पीएम को एडवाइस कर सकते हैं लेकिन इसको आप लोगों ने कंफर्म जरूर कर लेना है. अगेन नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 40% ऑफ 75. तो करेक्ट आंसर है 28. नेक्स्ट है फाइंड द ऑड ए टू सी सिक्स ई टेन जी ट्वेल्व आई 18. तो करेक्ट आंसर है इसका जी 12. नेक्स्ट है व्हाट विल कम नेक्स्ट जेड 26 x 24 v 22 t 20 and 2. तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आया इसका जवाब है आर 18. नेक्स्ट है विच एरिया ऑफ वर्ल्ड इज कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट. लैंड ऑफ प्रॉफिट फलस्तीन को कहा जाता है. आगे नेक्स्ट है कोहार्ट लेबॉरेटरी वॉज मेड इन पीरियड ऑफ विच गवर्नमेंट. जो कोहार्ट में लेबॉरेटरी बनाई गई थी ये पीपी के दौर में बनाई थी जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाई थी. आगे नेक्स्ट है विच सिटी ऑफ मंथ ईद उल फितर ऑफर्ड. किस जो इस्लामी मत में ईद उल फितर मनाई जाती है. तो करेक्ट आंसर है शवाल में. नेक्स्ट है इफ फोर डे ऑफ मंथ इज सैटरडे व्हाट डे विल कम 29 डे ऑफ द मंथ. तो इसका करेक्ट आंसर है ट्यूसडे. नेक्स्ट है इन विच सिटी मुस्लिम लीग फाउंडेड. मुस्लिम लीग किस शहर में बनाई गई थी. तो करेक्ट आंसर है ढाका में. नेक्स्ट है इफ बिफोर यस्टरडे वाज मंडे देन व्हाट डे विल बी आफ्टर टुमारो. तो इसका करेक्ट आंसर है फ्राइडे. नेक्स्ट है 9% ऑफ 9. इसका करेक्ट आंसर है 0.9. अब आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी. वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में बताया करें किस तरह आपको वीडियो लगी. या कोई भी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको हमारे रहते बरकरार. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.